एक 25 तारीख को एक गुनाह दाखिल हुआ था यहाँ पर तुरंत पुलिस स्टेशन में, जिसमें एक 5 साल की बच्ची थी जिसका किडनैप हुआ था। उसके बाद एक दिन बाद हमें सूचना मिली थी कि एक बॉडी मिली है, नवसारी भी रेलवे स्टेशन है वहाँ पर बाथरूम टॉयलेट में एक बॉडी मिली है, और उसके बाद कंफर्म करने पे वो सेम लड़की थी। उसके बाद ये डिटेक्ट हुआ कि ये मर्डर है, और उसमें जो आरोपी है तो वो जो लड़की है जो किडनैप हुई थी उसके फादर की लवर है। इसमें जिस दिन दाखिल हुआ 25 तारीख को लेट नाइट, 24-25 के लेट नाइट बीच में, उसके बाद इमीडिएटली हमने सारा तपास शुरू किया था। सेपरेटली 6 टीम बनी थी, सुबह तक सारे रेलवे स्टेशन्स पे गए थे, सारे सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किया। इसी दरमियान तरपेत जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बीच में फिर हमें इन्फॉर्मेशन मिली वो बॉडी मिली, और उसके बाद हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चालू किया। तो जो टेक्निकल एविडेंस हैं, जो है बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, वो सबके बेसिस पे जो सस्पिशन है उसको जो डिसीज्ड के फादर थे उसकी एक लवर थी उस पर सस्पिशन गया। उसके बाद इंट्रोगेशन में उसने कबूल किया कि उसने ये किया है, और जो यहाँ से लेकर जो घटना हुई थी किडनैपिंग से लेके रेलवे स्टेशन तक, वहाँ तक जो मर्डर हुआ था वो पूरा जिस तरह से हुआ था उसके सारे एविडेंसेस हमने कलेक्ट किए हैं, और आगे के जो एविडेंसेज हैं वो आगे के तपास में इन्वेस्टिगेशन में किया जाएगा। सर, इस महिला ने क्यों मारा था बच्ची को, क्या मोटिव? जो फादर था, जो बच्ची का पिता था, उसकी ये लवर थी, और इसके पहले इसका कहना है कि उसने शादी की प्रॉमिस की थी, और उसके पहले एक बार इसका एबॉर्शन भी कराया था। उसकी वजह से इसके मन में गुस्सा था कि वो मुझसे शादी नहीं कर रहा, पुरानी शादी है तो उसके साथ ही रह रहा है, और उसकी एक बच्ची भी है। इस गुस्से में आके उसने उसका पीछा छुरा के इसका जो उसकी बच्ची है उससे पीछा छूट जाए तो मेरे से शादी करेगा, ऐसा सोच के ये करके उसने ऐसा मर्डर किया। सर, इस घटना को कैसा अंजाम दिया, उसको मारा कैसा? उसने गला दबाकर उसकी हत्या की। सर, ये देखिए कैसे कैसे लेके गए वो बच्ची, उसके साथ कैसे गए? वो यहाँ से ट्रेन से गई थी नाला सोपारा तुरंत से निकलने के बाद विरार स्टेशन, फिर आगे ट्रेन से वो नवसारी पहुँचे थे, और वहाँ रेलवे स्टेशन पे ही बाथरूम में गला दबाकर इसकी हत्या की। बच्ची के चेहरे पर कुछ दाग जैसे थे, उसका क्या मिला है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, कुछ आया क्या उस पर दाग वगैरह दिए गए कि बच्ची के गाल पे कुछ निशान है? यस, वो डिटेल पीएम रिपोर्ट का पार्ट है, और कॉज ऑफ डेथ जो है अभी प्राइमा फेसी दैट इज स्ट्रैंगुलेशन। बच्ची महिला को पहचानती थी क्या? वो नहीं पहचानती थी उसको, पहले से उसको नहीं पहचानती। तो उनके रिलेशन कब से थे, उनके फादर और लवर से? उनके पिछले 6-7 साल से रिलेशन थे। सर, बच्ची पूरे प्रवास में रोई वगैरह नहीं क्या, कि कुछ ऐसा और लोगों का ध्यान लाया उसके ऊपर? नहीं, ये काफ़ी डिटेल डिटेल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और तो पुलिस को कहाँ से सुराग मिला कि महिला को कहाँ से गिरफ्तार? जो हमने एक तो टेक्निकल एविडेंसेज वगैरह हम देख रहे थे, सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह थे, और जो रिकॉर्ड्स वगैरह थे हमारे, कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह, एट द सेम टाइम जो घटना हुई तो उसके इर्द गिर्द जो हम इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे थे उनके बेसिस पे हमें ये सुराग मिला कि ये संशयित हो सकता है। इसके लिए 6 टीम लगी हुई थी, शुरू से ही हमने 6 टीम लगाई थी। सर, महिला अकेले ही थी इस वारदात में कि कोई और भी था उसके साथ? महिला अकेली थी अभी तक, ये नहीं। फिर क्या बोल के लेकर गई थी उसको, बच्चे को क्या बोल के लेकर गई थी? उसने उसको चॉकलेट का लालच दिया था, और उसके लालच में ही उसको लेकर गई थी और उसके साथ गई थी। सर, सर, हत्या करने के बाद वो औरत वापस आई थी क्या इसी एरिया में? वो हमें यहीं पर मिली। सर, इसमें अहम कड़ी ये है कि उसके पिताजी का रोल है क्या उस बच्ची के? ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, रिलेशन थे उसके साथ पिछले 6-7 साल से रिलेशन थे, तो क्या पार्ट है, अगर पार्ट है, अगर एविडेंस में आया तो हम उनको भी आरोपी करेंगे। सर, क्योंकि सीसीटीवी वालों ने आपको दी थी पुलिस को जब मिली थी, तब उस महिला का थोड़ा सा चेहरा मिला था, तो बाप पहचान नहीं पाया अपनी लवर को? उसमें सीसीटीवी फुटेज में सब जगह क्लियरली नहीं आया था, और उसमें चलने फिरने का जो सब कुछ है वो सब आया था। तो दूसरा कि जो फादर है उसकी लवर है, मे भी कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये फैक्ट को छिपाया था पहले, और बाद में हमारे इन्वेस्टिगेशन में सब आया, उसके हिसाब से हमने डिटेक्ट किया। सर, आरोपी का बैकग्राउंड क्या है महिला का? जो आरोपी महिला है उसका बैकग्राउंड छोटा मोटा काम करती है वो अभी, और रिलेशन उसका फादर के साथ लवर थी इसका, वो रिलेशन आरोपी की कुछ रिलेटिव थे उधर तक गई थी।
ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी हमारे पास एक ही आरोपी है, जो महिला है वही एक आरोपी से जुड़ी हुई महिला ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कोई एंगल नहीं है। इसमें पर्सनल इनमिटी थी, लवर थी, और उसमें जो रिलेशन खराब हुए थे और इसके मन में कुछ इच्छा थी कि वो शादी करे, नहीं कर रहे थे, उसकी वजह से इसने मदद की। सर आरोपी महिला का नाम क्या है? आरोपी महिला का नाम अनीता वाघेला। सर एक मुख्य सवाल है कि जब ये कांड हुआ उसके बाद में पब्लिक कुछ भड़क सी गई थी, उसमें जो एक्यूज है उसके दादाजी ने आरोप लगाया कि यहाँ तुरंत जब उन्होंने इसकी कंप्लेन की तो कंप्लेन ली नहीं गई थी 24 घंटे बाद में, अगर ये कंप्लेन टाइम पर ली गई होती तो बच्ची को बचाया नहीं जा सकता था। जब यहाँ कंप्लेन देने आए, कंप्लेन टाइमली ली गई है, जो पेपर वगैरह लिखने का वो सब टाइम हो सकता है माइनस, बट जैसे ही कंप्लेन आई हमने टीम इमीडिएटली लगाई थी और रेलवे स्टेशन वगैरह सीसीटीवी फुटेज के लिए इमीडिएटली हमने टीम भेजी थी।